आज एक वीडियो है गुड न्यूज़ पहले मैच के लिए। मैंने दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसको समझ में नहीं आया किस तरह से रिफ़ंड आएगा। मैंने तीन टॉपिक में रिफ़ंड के लिए मैंने प्रोसेस डाला है, बट बहुत सारे का ये कमेंट आ रहा है कैसे होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं वीडियो में मैं अपना YTA स्टूडियो खोलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये सब वीडियो सही से देखते नहीं है, ये सब देखें और ना तो सब्सक्राइब करेंगे ये सब बंदे, देख सकते हैं। ना तो ये सब सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वो पूरा वीडियो देखते हैं, इस कारण उसका पैसा अभी तक रिफंड आया नहीं। इसमें तीन टॉपिक में मैंने बांटा था, इसमें मैं लॉग इन अपना करता हूँ, तब मैं आगे बताता हूँ किस तरह से रिफ़ंड मिलेगा। सबका पैसा रिफ़ंड मिल जाएगा, बट आईडी पे ही मिलेगा, तो वो किस तरह से करना सो मैं बता देता हूँ। मेरी आईडी लॉग इन हो गई है, तो इस जगह जो डिपॉजिट का जो आ रहा है ऊपर में साइन, मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब आपको ये चीज़ चेक करना है, आप किस पेमेंट के थ्रू आपने पेमेंट किया था। फर्स्ट आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, ये यही तीन जो है सबसे ज़्यादा चल रही है, जो सब पेमेंट करते हैं। तो मैं पेटीएम पे फर्स्ट में जाऊँगा। इस जगह ये आई पेमेंट मेथड, तो जिस तरह से मैंने मेरे 200 रुपये लटके हैं, तो मैं 200 में डालूँगा। अगेन जिसको रिफ़ंड चाहिए, जो बैलेंस है वो बैलेंस डालो, जिस पेमेंट को सिलेक्ट करके आप डिपॉजिट कर रहे थे सेम वही प्रोसेस करना है आपको, अगेन कंटिन्यू करना है। ऑटोमेटिक ये लेके जाएगा नेक्स्ट पेज पे। और इंटर मोबाइल नंबर डाल के आप अपना ये जो मोबाइल नंबर है आपको इस पे आपको पेमेंट करना है, तो आप प्रोसेस्ड करते हैं। सॉरी, ये आपको नंबर लेना है और आपको इस पे करना है, फिर जाके आगे प्रोसेस्ड करना है। आपको फर्स्ट यहाँ अपना नंबर डालना है इस जगह अपना नंबर डाल के, जो नंबर आ रहा था उस जगह अपना नंबर डाल के अपने अकाउंट से बैलेंस कटवा सकते हैं। इस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं, ये नया अपडेट आया है। पहले नंबर मिलता था, वो नंबर को लेके आपको पेमेंट करना पड़ता था और कोड डाल के करना पड़ता था, इस तरह से पेमेंट होता था। अब वो तरीका बदल चुका, अपडेट आया है। ठीक, दूसरा पेमेंट UPI का है, मैं UPI पे मैं क्लिक करूँगा। इस जगह पेमेंट है, मैं पेमेंट डालूँगा, कंटिन्यू करूँगा। किस तरह से रिफ़ंड चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, और कोई कोई नया नया तरीका आया वो भी मैं बता रहा हूँ। सेम ये प्रोसेस आ गया, तो जैसे है यहाँ अकाउंट नंबर दिया हुआ, ये है मतलब UPI नंबर, इसको मैं कॉपी करूँगा, अपने UPI पे मैं जाके पेमेंट करूँगा और वहाँ से एक कोड मिलेगा। आप अकाउंट यहाँ उस उनका नंबर डाल दीजिएगा, ठीक, और ट्रांजेक्शन UTR नंबर जो आपको मिलता है वो डालना है और सबमिट करना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर ही दें, ये आपके लिए सही होगा। तो ये है, यही तरीका है आपको पेमेंट दोबारा पाने का, ठीक ना। और ऐसे आप सोचोगे कि मुझे रिफ़ंड मेरे अकाउंट में चाहिए, तो ऐसे आपको बैलेंस नहीं मिलने वाला। जो जो मैंने बताया वो आप तीनों वीडियो देखें, आप समझ गए हैं अच्छे से, तो आप लाइक करें। थैंक यू, बाय।